आओ कुछ मोती पिरो लें। अगर आप डिजाइनर ज्वेलरी के शौकीन हैं तो ये मौका आपके लिए है। यूपी की राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद स्थित ख्यालीगंज के कशाने मुस्तफा में हैदराबाद की मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर सादिया ने किश्वरी कनेक्ट के सहयोग से आओ कुछ मोती पिरोले के तहत निशुल्क ज्वेलरी वर्कशॉप का आयोजन किया है। इस आयोजन में एग्जीबिशन के साथ ही ज्वेलरी की बिक्री भी हो रही है। सादिया ने अवधनामा से बातचीत करते हुए बताया, मेरा नाम सादिया है, मैं हैदराबाद से आई हूँ। हम लोगों का वहाँ पे अपना हैदराबादी ज्वेलरी का बिजनेस है और वहाँ पे हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं और वहाँ पे हम लोगों को सिखाते हैं, एक रोज़ी का एक ज़रिया हम इसके ज़रिए उन लोगों को तक पहुँचाते हैं। इस बीच किश्वरी कनेक्ट से हम कोलैब करके लखनऊ में एक वर्कशॉप कर रहे हैं ताकि यहाँ की भी जो वुमेंस हैं उनमें ये एक स्किल डेवलप कर सकें और वो इसके ज़रिए कुछ आगे अपना रोज़ी का ज़रिया इसे बना सकें। देखिए, अभी इस वक्त जो हम लखनऊ आए हैं, जो सिखाने के लिए हम आए हैं, उसके लिए हम एक किट बना के लेकर आए हैं, एक बेसिक किट, जिसमें अभी उन्हें कुछ नहीं ख़रीदने की ज़रूरत, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है टूल्स की वो सब उनके पास अभी अवेलेबल रहेगा। उसके बाद जिस तरह से वो डिज़ाइनिंग करेंगी उसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी और थोड़ा थोड़ा वो रॉ मटेरियल लेके थोड़ी थोड़ी डिज़ाइनिंग करके किस तरह की उनके पास डिमांड आ रही है, किस तरह की वो सेल कर पा रही हैं, उस तरह से धीरे धीरे बढ़ाएंगी। ये देखिए बिजनेस है, एक छोटे अमाउंट के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन इसमें एक थोड़े अमाउंट से वो शुरू कर सकती हैं, थोड़ी डिज़ाइनिंग के साथ शुरू कर सकती हैं, किस तरह की उनके आसपास लोग उनसे डिमांड कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ उनसे मांग रहे हैं, उस हिसाब से वो रॉ मटेरियल लेके वो चीज़ उन्हें प्रोवाइड करा सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो इसके इरादा हुआ आने का और ये मुझे हिम्मत मिली यहाँ करने की, वो कुलसुम आपा जिन्होंने मुझे ये फेवर दिया कि आप मेरी जगह पर यहाँ डिस्प्ले भी करिए, मेरे पास आके आप सिखाइए भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मिलने के बाद बहुत कुछ सीखा भी मैंने, एक कॉन्फिडेंस भी आया। एक दूसरे शहर में जाके करना बहुत मुश्किल था, अगर मुझे कुलसुम आपा नहीं मिली होती तो ये मुमकिन नहीं था एक दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट तक आके करने का। जब मैंने देखा कि वो माशाल्लाह सिलाई का भी कर रही हैं और भी उनके इस तरह के कोर्सेज रहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो मैं चाहती थी कि उन्हीं के साथ कनेक्ट होकर अपना हैदराबादी ज्वेलरी का भी वर्कशॉप यहाँ पे मैं करूँ। उन्हीं की मुझे जगह मिली है और उन्हीं के सपोर्ट से मैं आज अभी यहाँ मौजूद हूँ लखनऊ में। जी बिल्कुल, देखिए ये करने का मकसद यही है कि जो जिन लोगों को कुछ ख्वाहिश है कुछ करने की और वो अगर इसमें इंटरेस्ट शो करते हैं, वो अच्छे से सीखते हैं और वो हमसे कहते हैं कि हम इसमें और सीखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी मेकिंग होती है, ज्वेलरी की है, कपड़ों की है, कोई भी कोर्स है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती उसमें सीखने की। कुछ नया वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अभी टाइम लिमिट है तो हम बेसिक सिखा रहे हैं उन्हें। अगर उन वो इंटरेस्ट शो करते हैं और वो अच्छे से सीखते हैं तो हम यकीनन कोशिश करेंगे कि उन्हें और आगे बढ़ाएं, इसमें और एडवांस पूर्वई उन्हें मेकिंग सिखाएं। किश्वरी कनेक्ट की प्रमुख कुलसुम तलहा ने बताया कि ये प्रोग्राम लखनऊ वालों के लिए विशेष तौर पर किया है, साथ ही उन्होंने जानकारी दी। तुमने बिल्कुल सही कहा कि किश्वरी कनेक्ट का एक जो मेन और सबसे फोकस्ड प्रोग्राम है वो तलफ़ुज़ और हम हैं। उसका मेन पर्पस ये है कि हम लखनऊ में हैं और लखनऊ के लोगों की अगर ज़बान साफ नहीं होगी तो फिर किसकी होगी। उसमें एक सेगमेंट है तलफ़ुज़ और मीडिया, और क्योंकि मैं मीडिया से हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे लगता है कि लोगों को हम अपनी बात अच्छी तरह अच्छी लैंग्वेज में विद करेक्ट डिक्शन प्रोनाउंसिएशन सकाएं। लेकिन किश्वरी कनेक्ट का काम सिर्फ तलफ़ुज़ नहीं है, किश्वरी कनेक्ट एक फ़िक्र है, एक जज्बा है और एक मिशन है। और ये सिर्फ औरतों के लिए काम नहीं करता, ये जेंडर सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है। जो तलहा सोसाइटी जो आज से 95 में बनी थी उसके तहत हम काम करते हैं। और जहाँ तुमने जब हमने सोचा कि हम इस जगह को, जो मेरा घर है पूरा, मेरे वालदैन का घर है, जब इसको हमने सेंटर बनाया तो हमें लगा कि वुमेन के लिए, ख़ास तौर से आसपास के लिए, हमें ज़रूर काम फोकस्ड वे में करना चाहिए। और जो जो उनकी डिमांड्स होती हैं, जैसे अभी अगले महीने हम स्टिचिंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं, डिज़ाइन स्टिचिंग का, और तुमने कहा कि आओ कुछ मोती पिरोलें जो शुरू किया, ये एक स्किलिंग का, क्योंकि हमने यहाँ एक हब बनाया है जिसमें हेल्थ, लिटरेसी और स्किल, ये तीनों चीज़ों को हम सब मिला के चल रहे हैं।
तो इसमें स्किलिंग का जो पार्ट है उसमें हम इस तरह की स्किलिंग वर्कशॉप्स करते हैं ताकि लोग, और ये वर्कशॉप्स टोटली फ्री हैं, इसमें हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। और एक चीज़ और तुम्हें यहाँ मैं बताना चाहूँगी, ज़्यादातर लोग कहते कि हम अंडर प्रिविलेज के लिए काम करते हैं, किश्वरी कनेक्ट ऐसा नहीं कहती, क्योंकि हम नीड्स के लिए काम करते हैं। हमारी वर्कशॉप में वो लोग आते हैं जो ये चीज़ को सीखना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ऐसे तबके से आए, अंडर प्रिविलेज से आए। सो मोती पिरोले, आओ कुछ मोती पिरोले। ये इसलिए है क्योंकि सादिया, जैसे अभी आपकी बातचीत उनसे होगी और हुई, बताया उन्होंने कि वो हैदराबाद की एक बहुत मानी हुई ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं और उसको सेल करती हूँ। वो मुझसे कनेक्ट हुई किसी मेंबर के ज़रिए और उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो हमारे लोगों को ट्रेन करना चाहेंगी। तो मैंने उनसे कहा फिर आप अपनी एग्जीबिशन भी क्यों नहीं लगाती हैं। कशाने मुस्तफ़ा से यास्मीन मुस्तफ़ा ने इस प्रदर्शनी के लिए विशेष सहयोग किया है। उन्होंने बताया, मेरा नाम यास्मीन मुस्तफ़ा है और ये मेरे वालदैन का घर है। जब मेरी बहन कुलसुम मुस्तफ़ा तलहा ने बताया कि सादिया जो हैदराबाद से आ रही हैं वो यहाँ पे कुछ एग्जीबिशन करवाना चाहती हैं और अपना कोई प्रोग्राम रखना चाहती हैं, तो मैंने उन्हें जगह चाहिए, तो मैंने कहा कि जगह खाली है, उनसे कहो कि वो आके यहाँ पे कर लें। और मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि हमारे ख़ानदान से चला आ रहा है लोगों की मदद करना और उनकी हर तरह से वो करना, हौसला अफजाई करना। तो वही मैं थोड़ा सा मुझ में भी आ गया, तो मैंने भी कहा कि मैं भी क्यों मौके से वंचित रहूं। इसलिए मैंने उन्हें कहा कि नहीं, बिल्कुल खुशी खुशी आप करिए इस काम को। इस वर्कशॉप में ज्वेलरी बनाने का शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाएगा आज और 28 नवंबर को सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। ज्वेलरी की प्रदर्शनी के साथ ही ज्वेलरी की सेल भी हो रही है।